दिल्ली में एक हफ्ते के लिए बढ़ा लॉकडाउन, अब 3 मई तक तालाबंदी। महामारी का कहर जारी है, इसीलिए राज्य में लॉकडाउन बढ़ाने का किया फैसला। सिस्टम फेल हो गया है, अब जन की बात करिए। पीएम मोदी पर राहुल गांधी का जोरदार हमला। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, सिस्टम फेल है इसीलिए ये जनहित की बात करना जरूरी है। राजनीतिक काम छोड़कर सिर्फ जन सहायता करें। मन की बात में बोले पीएम मोदी, कोरोना की ताजा लहर के तूफान ने देश को झकझोर दिया है। पहली लहर का सफलतापूर्वक मुकाबला करने के बाद देश आत्मविश्वास से भरा हुआ है। बंगाल में टीएमसी के एक और उम्मीदवार की मौत। टॉलीगंज विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो संक्रमित। मुंबई में डोर टू डोर नहीं, वैक्सीनेशन के लिए मोबाइल वैन की बीएमसी बना रहा है योजना। टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन सिर्फ कोविन ऐप के जरिए किया जाएगा। कर्नाटक में कोरोना की दूसरी लहर के बीच गहराता ऑक्सीजन का संकट। 54% से भी पार पहुंची मांग। नॉन आईसीयू बेड में हो रही है ऑक्सीजन की कमी। अस्पतालों में लगाए जाएंगे 551 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट। पीएम केयर से दिया जाएगा फंड। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चिन्हित सरकारी अस्पतालों में स्थापित किए जाएंगे। बिहार के अस्पतालों में बेड की कमी पर तेजस्वी ने केंद्र और नीतीश सरकार को घेरा। पूछा, कब शुरू होगा 500 बेड का ईएसआईसी अस्पताल। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी और मोदी सरकार पर नाकामी का आरोप लगाते हुए प्रदेश सरकार से कोविड-19 की मुफ्त जांच, मुफ्त टीका और मरीजों के मुफ्त इलाज की मांग की। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अदालतों को बिना सोचे समझे अपराधियों को जमानत पर रिहा नहीं करना चाहिए। मार्च 2022 में शंघाई से रवाना होगा वंडर ऑफ सीज। दुनिया के सबसे बड़े जहाज की बुकिंग हुई शुरू। यात्री क्षमता 7,000 और फैमिली स्वीट का किराया 27 लाख। फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने पेड जॉब करके रचा इतिहास। जिल की छवि हिलेरी मिशेल मेलानिया से अलग। फर्स्ट लेडी का रुतबा नहीं बताती, बेहद सहज है फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन। दुनिया में फैला कोविड के इंडियन वेरिएंट का डर। ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों परमानेंट रेजिडेंट के भारत जाने पर लगी रोक। अचानक बदले नियमों से खड़ा हुआ बड़ा संकट। म्यांमार की जनता के साथ अब हिंसा न करे सैन्य शासन। आसियान की बैठक में उठाई गई मांग। 10 देशों के संगठन आसियान की बैठक में 5 बिंदुओं पर बनी आम सहमति। आर्मेनियाइयों की हत्या को बाइडेन ने करार दिया नरसंहार। तुर्की को लगा बड़ा झटका। सन 1915 में शुरू हुए इस नरसंहार की निंदा करने का बाइडेन ने अपने चुनाव प्रचार में किया था वादा। ब्याज का पैसा देने में 12वीं बार असफल रिलायंस। रिलायंस कैपिटल बॉन्ड धारकों को ब्याज का पैसा देने में हुई फेल। 22 अप्रैल को देना था पैसा। मई में 12 दिन बैंकों में नहीं होगा कामकाज। 2 दिनों की छुट्टी से होगी महीने की शुरुआत। कोरोना की वजह से सिर्फ 4 घंटे ही खुलेंगे बैंक। कोरोना मरीजों की मदद के लिए फिर आ गया है अक्षय कुमार। गौतम गंभीर फाउंडेशन को दिए 1 करोड़ रुपए। पहली लहर में भी की थी दिल खोलकर मदद। पिता के निधन के बाद हिना खान ने पहली बार शेयर किया इमोशनल नोट। सोशल मीडिया से लिया ब्रेक, अब टीम हैंडल करेगी उनके सभी अकाउंट्स। और आईपीएल में आज चेन्नई वर्सेस बेंगलुरु के बीच होगा मैच। टॉप 2 टीमों के बीच वानखेड़े की पाटा पिच पर हो सकता है हाई स्कोरिंग मैच। पिछले 10 मैच में 8 बार हावी रही सीएसके।